नमस्कार, मैं अनुजा। एक ऐसा मंजर जो दिल दहला देगा, ट्रैली पलटने से डूब गई 26 जिंदगियां। भीतरगांव में हुआ हादसा, उन्नाव की चंद्रिका देवी के दर्शन व बेटे का मुंडन कराकर लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर टाली पानी से भरी खंती में पलटी। हादसे के बाद दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। 2 घंटे के बचाव अभियान के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस ने जब ट्राली के नीचे से लोगों को निकालना शुरू किया तो अधिकतर लोगों की सांसें थम चुकी थीं। कानपुर के भीतरगांव मार्ग पर पानी से भरी खंती में ट्रैक्टर टाली पलटने से कोरथा गांव के ही 26 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। सभी लोग उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन और बच्चे का मुंडन कराकर लौट रहे थे। हादसा गांव से करीब 4 किलोमीटर पहले हुआ। सभी लोग उसके नीचे दब गए, इससे सभी जिंदगियां पानी में ही समा गई। न चीख सके और ना ही चिल्ला सके, करीब 1 घंटे तक सभी दबे रहे। जब भारी संख्या में ग्रामीण और पुलिस बल पहुंचा तब ये ट्राली हटाई जा सकी। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, 26 लोगों की सांसें पूरी तरह से थम चुकी थीं। घटनास्थल से करीब 500 मीटर पहले ही सभी लोग एक छोटे ढाबे पर रुके थे, जहां चाय नाश्ता करके 1-2 मिनट चलने के बाद हादसा हो गया। ट्रैक्टर इस कदर बेकाबू हो गया कि चालक संभाल ही नहीं पाया। खंती में बारिश का पानी भरा हुआ था। हादसे के बाद 8-10 लोग इकट्ठा हुए, लेकिन वह भीतर जाकर ट्राली उठा नहीं पाए। बाद में लोगों के जुटने पर ट्राली हटाकर सभी को बाहर निकाला गया। 3 घंटे तक चले बचाव कार्य के बाद मृतक शरीरों को निकाला गया। बचाव कार्य में देरी की वजह से सार थाना अध्यक्ष आनंद पांडे को निलंबित कर दिया गया। बाकी घायलों को हैलट व अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं पर पुलिस की गाड़ी गश्त कर रही थी और वहाँ वो खड़े होकर देखती रही, कोई मदद नहीं की। तो जैसे एक लड़की कूद गई गाड़ी से, उसने हमें फोन किया। पुलिस वहाँ खड़ी रही, बगल में जेसीबी थी, बगल में ट्रैक्टर थे, 4-4, 10-10। अगर चाहते लोग तो ट्राली जैसे पलटी थी तुरंत खींच के पलटाई जा सकती थी और सबकी जान बचाई जा सकती थी। किसी ने नहीं। हम लोग मोटरसाइकिल से लेके आए, एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस एक आई और उसके बाद आके डाल के रास्ते पे खड़ी हो। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।